हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं मार ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सीडीएस और एनडीए के 2023 के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2024 के सीडीएस 1, एनडीए 1 और सीडीएस 2, एनडीए 2 के क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमने अभी तक बायो के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं। बायो कंप्लीट होने के बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और अन्य जो सारे सेक्शंस है उनको एक एक करते हुए देखते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले एनडीए सेकंड 2023 से। तो यहाँ पे हमारे पास बायो के क्वेश्चंस कई सारे हैं, लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन हमको हर साल मिलते हैं या हर एक पार्ट में मिलते हैं। तो यहां देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमको क्या मिलता है। द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिजम्स दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग आर। तो यहां पे हमसे बात किसकी कर रहा है कि कौन सा टाइप का ऐसा जो फीचर है या कहें कि ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसमें हमको अलग अलग डाइवर्सिटीज देखने को मिले। तो मोस्टली अगर हम बात करते हैं यहां से देखिए तो माइटोसिस और फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन तो प्रोसेस नॉर्मली कांस्टेंट चलनी है, लेकिन डिफरेंशिएशन कौन क्रिएट करता है? तो जो सेल डिवीजन का टाइप है उस टाइप में हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है कैसे। तो माइटोसिस में हमको एक चीज पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी बनती है, जो मदर सेल है उसकी एग्जैक्ट कॉपी। तो यहाँ पे वेरिएशन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हम ये ऑप्शन हटा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हटा सकते हैं। ये दो ऑप्शन जहां पे हमको माइटोसिस मिल रहा है उसको हटा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, मियोसिस। और दूसरा हमारे साथ में दो ऑप्शन है जहां पर हमको मियोसिस मियोसिस मिल रहा है, लेकिन उनके साथ में कुछ चेंजेस है। जैसे यहाँ पे क्या है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या है हमारे पास, मियोसिस एंड कंजुगेशन। तो कंजुगेशन का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या याद रखना है कि मियोसिस मियोसिस एक मिनट थोड़ा सा तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक से याद रखिएगा, अगर अगली बार ऐसा कुछ आता है तो हम इसको आराम से कर पाएंगे नेक्स्ट कभी एग्जाम में अगर रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड एज कंपेयर्ड टू प्रोकैरियोटिक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो हमें अभी तक डिफरेंस पढ़ते आ रहे हैं तो उन्हीं की बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिवली जो रिलेटेड है वो किससे मिलेगा आपको, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल से, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे देख लेंगे हमको प्रोकैरियोटिक में कौन कौन मिलेगा और यूकैरियोटिक में कौन। तो सेल वॉल जो कि प्रोकैरियोटिक में मिलती है और यूकैरियोटिक में भी मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलती है, न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए के फॉर्म में आरएनए के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड्स मिलती है, ठीक। तो बच्चा क्या हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल की एक प्रॉपर्टी हमको पता ही है या फीचर हमको पता है कि उसमें किसी भी टाइप का कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता और वो केवल किस में होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी केवल यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। An important cause of tooth decay by bacterium streptococcus mutans is because of their ability to attach to teeth surface by producing slime layer from। अब जो streptococcus mutans है ये हमारे दांतों को decay करने के लिए या tooth decay के लिए बहुत ही कई बार देखा गया है responsible जो bacteria है माना जाता है। अब इसका मेन काम क्या है कि एक स्लाइमी लेयर क्रिएट करता है हमारे सलाइवा और उसके साथ मिले हुए पॉलीसेकेराइड्स। अब यहाँ पे हमको देखना है जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो पॉलीसेकेराइड्स रिएक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे कौन हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, शुगर। तो शुगर क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड। तो इसीलिए ये किसके साथ में स्लाइमी लेयर बनाता है, तो शुगर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय दीज गैमेट्स। तो गैमेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमको देखना होगा कि कौन से ऑप्शन हमको यहाँ ठीक मिलते हैं। पहला,
बोथ द गैमेट्स फ्यूज विद अ सिंगल सेल सॉरी सिंगल एग सेल. सेकेंड, बोथ द गैमेट फ्यूज विद टू डिफरेंट एग सेल्स. वन गैमेट फ्यूज विद एग सेल एंड द अदर वन इवेंचुअली डीजनरेट्स. वन गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड द अदर वन फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो हमारा आंसर यहां से क्या निकल के आएगा, डी. ठीक है, कि होता क्या है एक्चुअल में यहाँ पे, कि एक गैमेट जो है वो फ्यूज करता है किसके साथ, एग सेल के साथ, और दूसरा वाला जो है वो किसके साथ फ्यूज करता है, तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है ये उसके साथ में फ्यूज करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर बोथ फॉर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग. तो दोनों के लिए पूछा है, कि पेरेंट के लिए भी और ऑफस्प्रिंग के लिए भी कौन सा सही है. क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज बट डीएनए कंटेन रिमेन कॉन्स्टेंट. बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्रोमोसोम नंबर डिक्रीजेस बट डीएनए कंटेन रिमेन कॉन्स्टेंट. और बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट डिक्रीज. तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मोस्टली हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक, होता क्या है कि जो हमको मिला यहां से, देखिए एक चीज, अगर हम एसेक्सुअल की बात करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें अगर बात करें तो यहां पे हमको आंसर क्या मिलेगा, कि बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट डिक्रीजेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिलेशनशिप बिटवीन ए फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर फॉर और इन ए फास्टर डेवलपमेंट, बी पॉलिनेशन, सी क्विक जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, और डी इंक्रीज इन साइज. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा पॉलिनेशन. तो किसी फ्लावर पे कोई हनी बी आके बैठती है तो उस फ्लावर से उसमें क्या चिपक जाता है, पोलन ग्रेन्स. अब यही पोलन ग्रेन्स वो बी जहां जहां पे जाके बैठेगी, जिस जिस फूल पे जाके बैठेगी, ये पोलन ग्रेन्स उस पर्टिकुलर फ्लावर के साथ फ्यूज होंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी बात हो गई, तो देखते हैं. पहला क्लोरोफिल. हाँ, क्लोरोफिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्या काम करती है, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा क्लोरोफिल. ठीक है, दूसरा कौन हो जाएगा हमारे पास, CO2. तो ये तो मेन प्रोडक्ट सॉरी मेन एक कंटेंट है इस चीज के लिए. वाटर, वाटर भी जरूरी है. और कौन जरूरी नहीं है, तो ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन इतनी जरूरी नहीं है कौन सी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस. हाँ, बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको ऑक्सीजन जरूर मिली. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 94. इन फ्लावरिंग प्लांट्स डीएनए कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स हाफ ड्यूरिंग. तो कौन से समय पे ये हाफ हो जाता है, वही तो हमारा एक क्वेश्चन था इससे पहले, कि होता क्या है कि जो डीएनए का नंबर जो है और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो ये वही चीज है. तो क्या होता है यहाँ पे, पोलन फॉर्मेशन. तो पोलन फॉर्मेशन में क्या हो जाते हैं, कि जो नंबर है वो हाफ हो जाता है. ठीक, बाकी सीड जर्मिनेशन, फ्रूट फॉर्मेशन और फ्लावर बड फॉर्मेशन में, इनमें किसी भी में डीएनए का कोई ऐसा या तो डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन या उनका हाफ होना, कोई भी ऐसी प्रोसेस हमको देखने को नहीं मिलती. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म्स में कौन सा एक हमको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस मिलता है. पहली चीज, सबसे पहला देखते हम एग, जाइगोट, एम्ब्रियो और सीड. तो ऐसा हो नहीं सकता, या ऐसे ही होगा, देखते हैं अगला. और एम्ब्रियो, एग, जाइगोट, सीड. फिर अगला एग, एम्ब्रियो, जाइगोट और सीड. फिर उसके बाद डी आता है, एग, सीड, जाइगोट और एम्ब्रियो. तो हमारा आंसर यहां से हमको क्या देखना है, सीक्वेंस देखते हैं. सबसे पहली बात हमको याद रखना है कि कोई भी जीव होगा उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होता है, एग का. और एग से ही फॉर्मेशन होता है किसका, दूसरी चीज जाइगोट का. जाइगोट से बनता है कौन, एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, हमारा सीड. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर फर्स्ट या आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती है, जैसे ओव्यूल से बनेगा फ्रूट, एग से बनेगा एम्ब्रियो, जायगॉट से बनेगा सीड, ओवरी से बनेगा एग। बी, एम्ब्रियो से एग, ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से जायगॉट और जायगॉट से सीड। फिर इसके बाद ओवरी से फ्रूट, जायगॉट से एग, एम्ब्रियो से ओव्यूल और सीड से फ्रूट, या फिर एग से जायगॉट। तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। जायगॉट से एम्ब्रियो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओव्यूल से सीड, बिल्कुल करेक्ट, और ओवरी से फ्रूट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर डी। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है, तो एग से बनता है जायगॉट, जायगॉट से बनता है एम्ब्रियो, ठीक, ओव्यूल से बनती है सीड और ओवेरी से बनती है फॉर्मेशन, सॉरी ओवेरी से फॉर्मेशन किसका होता है, फ्रूट का, ठीक है। तो ऐसे टफ क्वेश्चन कभी कभी एनडीए में पूछे गए हैं, तो हमको ये बार बार रिपीट करने चाहिए, यही एक अच्छा तरीका है ताकि यहाँ पे हम अच्छे से इनको क्लियर कर पाए। अब यहाँ आपने पूरे एनडीए में 2023 के सेकेंड वाले पोर्शन में देखा कि लगभग सभी जो क्वेश्चन है वो मोस्टली आपसे बॉटनी से पूछे गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको पैटर्न पिछले जो कुछ समय का अभी 24 के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चेंज मिलता है, ठीक। अब अगला हम स्टार्ट करेंगे सीडीएस सेकंड का, सीडीएस सेकंड वही 2023 का। तो एक एक करके इसके भी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो टर्म फाइलोटैक्सी रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ, अब फाइलोटैक्सी जो है वो किसके पैटर्न को कहा जाता है, या कौन सा ऐसा पैटर्न बनेगा। तो पहली चीज, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ब्रांचिंग इन स्टेम, फ्लावर फॉर्मेशन ऑन ब्रांच, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो हमको यहाँ से सीधी सी बात पता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी, यानी लीव्स का विन्यास कैसा है या डायमेंशन कैसा है, वो किस प्रकार से जमी है किसी पौधे पे, तो वो चीज हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं या किसके अंतर्गत देखते हैं, कौन सी टर्म्स रिफर करते हैं, तो फाइलोटैक्सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड, तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन, ठीक, किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे हमको कौन से मिलते हैं, तो हमको यहाँ मिलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है तभी तो फॉर्मेशन होगा किसका, क्रोमोसोम्स का। और ये क्रोमोसोम्स हमको कहाँ मिलेंगे, तो क्रोमेटिन पे। क्रोमेटिन कहाँ मिलेगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, यानी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा क्रोमेटिन। तो यही चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है कि प्रोटीन है इसका आंसर, और कौन से टाइप का प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन। लिपिड्स का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो, विटामिन का भी अभी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, तो सीधा आंसर क्या हो गया हमारा, प्रोटीन। अगला देखते हैं, बैक्टीरिया हैव ए अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक्स ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विद प्रोटीन, सच रीजन इज कॉल्ड। तो बैक्टीरिया में ऐसा रीजन क्या कहलाता है, तो एक क्वेश्चन 2024 में भी ऐसे ही हमने देखा है अभी जो आया कि उसमें पूछा गया है। अभी लास्ट हमने एक वीडियो किया था उसमें हमने देखा था कि एक एनी स्कैफोल्ड नाम का एक ऑप्शन हमको मिलता है कि प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं मिलता है या क्या रिलेटेड नहीं है, तो वहां पे हमने देखा था कि एनी स्कैफोल्ड या एक मेम्ब्रेन, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन ये भी है। तो हमको ये याद रखना है कि जो रीजन था वो बिना किसी स्कैफोल्ड का रीजन जो था या मेम्ब्रेन के बिना का जो रीजन था वो रीजन क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे वही पूछा है, ठीक है, कि ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, यानी जहां पे न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियर न्यूक्लियस के अंदर की सारे मटेरियल जो होंगे वो वाला रीजन क्या कहलाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे, तो न्यूक्लियोइड कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ ए प्लांट सेल फाइव पार्ट्स और ऑर्गेनेल्स आर मार्क फ्रॉम 1 to 5, तो हमको बताना है कि कौन सा है। तो 1 तो हमको सीधा सा पता है यहाँ पे क्या है, सेल वॉल। 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेल मेम्ब्रेन, क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन।
थ्री की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो रीजन है ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को हम क्या कह देते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद चौथी चीज, ये वाला हिस्सा हमको साफ ही पता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। अब अगली चीज उसके बाद कौन सी आएगी हमारे पास, पांचवा पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, वैक्यूल। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या बन रहा है। तो पहला सेल वॉल, तो पहला तो हमने वैसे ही हटा दिया ऑप्शन, बी में हमको मिलता है सेल वॉल और सी में हमको मिलता है और डी में मिलता है। ठीक, सेकंड हम देखेंगे, सेकंड मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन, तो तीनों ही ऑप्शन में हमको सेल मेम्ब्रेन मिलता है। फिर थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बी और सी में हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, तो हमारे ऑप्शन अब कौन से रहेगा, सिमट के बी और सी। इसके अलावा फोर्थ देखेंगे तो फोर्थ हमको मिलता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, तो फोर्थ कहाँ पे न्यूक्लियस मिल रहा है, सी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। ठीक है, तो सी में क्या मिल रहा है, पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन जैसा अभी देखा हमने, थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला, और फोर्थ हो गया न्यूक्लियस, और फिफ्थ हो गया वैक्यूल। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक, नहीं तो सिंपल तरीका भी था कि आप पहला और पांचवा ऑप्शन देख लेते तो भी निकल के आ रहा है ना, कहाँ पे अलग अलग, वैक्यूल कहाँ दे रहा है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन कहाँ दे रहा है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए पहली चीज हमको ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला आ गया हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दूसरा हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, फिर तीसरा क्या आ जाता है हमारे पास में, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बाद अगला कौन सा आ जाता है हमारे पास में, आरईआर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आरईआर। तो हमारे पास में चार ऑप्शन है मेन, क्या कहें कि चार ऑर्गेनेल से इनके फंक्शन देखते हैं। तो हमको सीधी बात पता है, रेस्पिरेशन का फंक्शन किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लोरोप्लास्ट का किससे रिलेटेड होता है, तो फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, वो किसकी वजह से होती है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, इसीलिए तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, और लास्ट बचता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर या इसके सरफेस पे, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक बोली क्यों रहे वह पहले पता करेंगे। तो इसकी सरफेस पे हमको क्या मिलते हैं, कई सारे राइबोसोम्स मिलते हैं, और ये राइबोसोम्स की वजह से ये कैसा हो जाता है, रफ। तो ये रफ नेचर का हो जाता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आरईआर। और ये किससे जुड़ा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन से, क्योंकि इसी के ऊपर तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी कारण से हम क्या कह देते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन से। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर नंबर ए, क्योंकि इसी में हमको ये सारे चीजें दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, और आरईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, और कई सा एक दो चीजें और यहाँ पे याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम क्या कहते हैं, बड़ा ही घिसा पिटा सा एक, काफी समय से पढ़ते आ रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। फिर राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एज सच ऐसा कोई नाम है नहीं। तो ये तीन चार चीजें यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मोस्टली हमको दो तीन चीजें याद रखनी, सेल वॉल जो है वो मोस्टली किसमें मिलती है, प्लांट सेल्स में मिलती है। ठीक, और दूसरा कई सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमको क्या मिलती है, सेल वॉल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड कौन सा है, तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल, डायटम एक प्रोकैरियोटिक सेल, मशरूम जो है वो क्या होता है, एक टाइप का फंगस। तो यहाँ पे भी हमको काइटिन की बनी हुई एक लेयर मिलेगी। बचा कौन, एनिमल सेल किसमें मिल रहा है, टेप वॉर्म में, एक जीव है ना, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि टेप वॉर्म इसका आंसर है। ठीक है, बैक्टीरिया, डायटम, मशरूम में सेल वॉल होती है लेकिन टेप वॉर्म में नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते,
वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल्स इन टॉल ट्रीज द प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट आर, यानी जाइलम की मदद से जो वाटर ऊपर जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस में कौन सी चीजें हेल्प करती है, ठीक, एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला, रेस्पिरेशन कोहेशन, नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा रेस्पिरेशन तो प्लांट्स में, यहां से सीधी प्रोसेस हो ही नहीं रही है। फिर ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन एंड एडेशन, ठीक है। फिर अगला, रूट प्रेशर कोहेशन एंड एडेशन, तो रूट प्रेशर तो नीचे की ओर काम करेगा तो ऊपर कैसे भेजेगा। ट्रांसपिरेशन एंड एडेशन, तो एडेशन के साथ में कोहेशन या एडेसिव फोर्स के साथ में कोहेसिव फोर्स भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर लगता है कि ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो ऊपर खींचेगा और एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ चढ़ेगी, ऊपर की ओर, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा आंसर यहाँ पे बी, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन एंड एडहेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनादर इन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमसे सीधी सी बात, हमको एक नियम यहाँ पे याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, कहे कि इसका एक रिलेटिव चीज हमको मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ। अब उस 10% लॉ को अगर हम देखते हैं तो वो एक यूनिडायरेक्शन चलता है, यानी प्रोड्यूसर्स से वो चलेगा किसमें, कंज्यूमर्स की ओर, और कंज्यूमर्स से वो कहाँ जाएगा, डीकम्पोजर्स की ओर। तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रॉपिक लेवल मोस्टली कैसे चलते हैं, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो ये कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी एक सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स फ्लो भी कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल, वापस थोड़ी ना आ जाएंगे किसी जीव के पास में। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, बोथ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो आर यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ये कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, घूम के नहीं आता, इसीलिए वो एक ही दिशा में हमेशा चलता रहता है, तो इस कारण से हम क्या कह रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोफाइट, ठीक है। तो सेप्रोफाइट हमको यहाँ पे देखना है कि सेप्रोफाइट कौन से टाइप का या कौन सा इनमें से सेप्रोफाइट है। तो कस्क्यूटा सेप्रोफाइट नहीं है, ये एक तरह का क्या कह सकते हैं, सकर्स वाला प्लांट होता है जो न्यूट्रिएंट्स को दूसरे पौधों से सक करता है, यानी ये एक ऐसी कैटेगरी का जीव हो गया जो अपनी न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और पे डिपेंड करता है, यानी ये कौन सी टाइप की कैटेगरी हुई, पैरासाइट। तो कस्क्यूटा हो जाता है पैरासाइट, राइजोपस होता है क्या, सेप्रोफाइट। तो सीधा सा आंसर हमको मिल गया यहाँ पे क्या, राइजोपस, क्योंकि हम कई बार जब पढ़ते हैं तो राइजोपस के लिए एग्जांपल पढ़ते हैं किसका, सेप्रोफाइट के लिए एग्जांपल पढ़ते हैं किसका, राइजोपस का, ठीक। स्पाइरोगायरा इसमें नहीं आएगा और ग्रास भी इसका आंसर नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैप्लॉइड सेल, कौन सा हैप्लॉइड सेल नहीं है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल कौन सा नहीं है, न्यूसेलस, ठीक है। तो न्यूसेलस जो है वो हैप्लॉइड सेल नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस एग्जाम में या CDS कहें, NDA कहें, दोनों ही जो 2023 का सेकंड पेपर हुआ है उनमें हमको बायो का लेवल काफी अच्छा मिला है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अच्छे से इनको पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, ताकि ऐसे अगर क्वेश्चंस कभी आ जाए तो उनको हम फेस कर सके और अच्छे से आंसर कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए ये लास्ट ही क्वेश्चन था, है ना। तो लगभग 10 क्वेश्चन हमको मिले CDS 1 में, 10 क्वेश्चन मिले, सॉरी 10 क्वेश्चन मिले हमको CDS 2 में और ND 2 में, तो लगभग 10-10 क्वेश्चन मोस्टली हर बार हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा प्रोपोर्शन रखता है बायोलॉजी, तो इसलिए इनको रिवाइज करते रहें और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करने के लिए आपको इसीलिए कहा जाता है कि वो कई बार क्वेश्चन उसी टाइप से रिपीट हो जाते हैं, तो इससे प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।